असलम दोस्तों, इस्लामिक वीडियो ऑफिशियल में एक बार फिर से आपका दोस्त, आपका होस्ट हसीब अली आपके सामने हाजिर है। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए इस्लामिक वीडियोस में ऐसी कोरोना वायरस के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा जो आप लोगों को मालूमात फराहम करेगी, आप लोगों के काम आएगी। दोस्तों, आज एक वीडियो देखी मैंने, उस वीडियो ने बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया और जो समझे कि मेरे अंदर से मेरे ज़मीर को झंझोड़ा। तो वीडियो में था कि कोरोना वायरस शुरू कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तो कोरोना वायरस क्यों आया, लोगों की जाने क्यों जा रही हैं। तो उस वीडियो में उस सवाल का जवाब था कि जब मुल्क शाम में बहनों की बेटियों की इज्जत लूट रही थी, तब हम लोग कहाँ थे। और मैंने एक वीडियो देखी थी ट्रम्प की, ही सेइंग दैट आई एम अ सुपर पावर। तो अब कहाँ गई तेरी सुपर पावर, अब कहाँ है तेरी सुपर पावर, अब शहर को घर को। रिसेंटली न्यूज़ है कि ट्रंप ने अपने आप को भी घर में कैद कर लिया है और किसी मीटिंग में नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। वो सुपर पावर ट्रंप कहीं जाने से डर रहा है, किसी से मिलने से डर रहा है। ही इज अ सुपर पावर? नो, ही इज नॉट अ सुपर पावर, वो अल्लाह सुपर पावर है। और आज पाकिस्तान में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है कि फतवा आया है कि जी नमाज सिर्फ दो फर्ज पढ़ें, मस्जिदों में ना जाएं, जुम्मे की नमाज में खास तौर पर टाइम से जाएं और दो फर्ज पढ़ के आप लोग निकलने अली करें। तो इस बात का आप लोग को यकीन होगा, आप लोग मान जाएंगे, जी फतवा आ गया, जी ठीक है जी, हम इसको मान लेते हैं। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो क्या कर रहे थे पता किसी को? सजदे में थे। वो कह सकते थे जी जंग है, सब मर रहे हैं, अपनी जान बचाओ, कह सकते थे ना, कह सकते थे कि अपनी जान बचाओ, नमाज ना पढ़ो। उन्होंने कहा नहीं, आधे लोग नमाज पढ़ेंगे, आधे लोग जंग करेंगे, फिर जब उनकी नमाज का टाइम आएगा तो वो लोग नमाज पढ़ेंगे, वो लोग जंग करेंगे। तो यार ये कहाँ कैसा फतवा दे रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि हमने मरना है, एक ना एक दिन मरना है, और जिसकी जहां पर जब जैसे मौत लिखी हुई वो आनी है। तो व्हाट इज दिस कि नमाज ना पढ़े, मस्जिद में ना जाए, ठीक है एहतियात करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक मैं ना चाहूंगा तुम्हें मौत नहीं आएगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यार। और ये पाकिस्तान के बहुत बड़े जो उलमा कराम है उनका फतवा है कि जी मस्जिद में ना जाएं, नमाज ना पढ़ें, नमाज कोशिश करें घर में पढ़ें, बुजुर्ग हजरात जो है मस्जिद में आने से गुरेज करें। बुजुर्ग हजरात जो वैसे ही अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे होते हैं, तो वो उनके दिल में चाहत होती है अल्लाह से ज़्यादा करीब जाने की, मस्जिद में जाने की। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ओल्ड एज में हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मस्जिद तरफ जाते हैं, दूर दूर की मस्जिदों में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उनको कहा जा रहा है जी आप घर बैठे नमाज पढ़ें, और ये फतवा आ गया जी, मौलवियों ने कह दिया जी। यार वट इज़ वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? मौत से पहले मौत से डर रहे हैं। मौत तो हर लम्हा तुम्हारे साथ खड़ी है, किस वक्त आ जाए किसी को नहीं पता। तो बहुत दुख हुआ मुझे ये दो चीज़ देख के। और सबसे बड़ी बात कि नमाज ना पढ़ें, मस्जिद में ना जाएं, और मेरे नबी के नवासे को तो देखो भूल गए तुम लोग, उन्होंने अपने पूरा अपना खानदान कुर्बान कर दिया, नमाज नहीं छोड़ी। तो प्लीज़ बारे में सोचिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन प्लीज़ मेरी बात को समझिएगा। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोग के लिए दिल से बना रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और ज़रा सोचिएगा, एक आखिरी बात से शेयर करता हूँ, ये बात तो मैंने सुनी तो बाकी मैं खुद भी शर्म से पानी पानी हो गया और रो पड़ा। एक बच्ची थी फलस्तीन की, जब वो मरने लगी ना तो उसने मरते हुए आखिरी अल्फाज क्या कहे थे, ज़रा आप लोग सुन लीजिएगा। उसने कहा था कि दुनिया वालों मैं जा रही हूँ और जाके अपने रब को बताऊंगी कि दुनिया वालों ने, खास तौर पर मुसलमानों ने फलस्तीन का हमारा कितना साथ दिया। मैं अपने रब को जाके बताऊंगी कि क्या किया हम लोगों ने हमारे साथ, जब हम मर रहे थे, हमारी बहनें मायों बेटियों की इज्जतें लूट रही थी, तब पूरी दुनिया सिर्फ ये कह रही थी कि हम मजम्मत करते हैं, हम तो एहतजाज करते हैं। तो करो एहतजाज, आगे करो ना, अब रब का अजाब आ गया, अब करो एहतजाज, अब इंतजार करो। खुदा के लिए, खुदा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें अपने गुनाहों की। कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं, कोई इलाज नहीं आया, लेकिन एक वैक्सीन है, एक इलाज है, अल्लाह से तौबा, एक बार तौबा करें।
यकीन माने दिल को भी सुकून मिलेगा और आपको ज़रूर एहसास होगा कि वी आर मुस्लिम। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर नहीं भी पसंद आई तो ज़रा मेरी बातों को समझिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला मेरी दुआ है तमाम लोगों को इस अजाब से, इस वायरस से बचाएं। आमीन आमीन सुम आमीन। वाखर दुआ अलहमदिल्ला रब्बिल आलमीन। खुदा।